नमस्कार दोस्तों, रिपेयर मैन मोबाइल की टिप्स एवं ट्रिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज का दिन खास है। आज हम आपको सैमसंग की जो बोर्ड की सिम ट्रे होते हैं, जिसमें कि सिम और मेमोरी एक साथ होता है, आज हम उसको चेंज करके दिखाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि सिम ट्रे जो होता है डबल डेकर वाली, सैमसंग में और बहुत सारे मॉडल में ये मिलता है, कि सिम ट्रे को हम कैसे चेंज करते हैं। ये आप हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो सिम ट्रे है इसको हम किस तरह से बदलते हैं। यहाँ हमारा ऊपर में क्या है कि MMC लगता है और नीचे में हमारा सिम लगता है। तो इसको बदलने के लिए सबसे हम पहले ऊपर वाली लेयर को रिमूव करेंगे, फर्स्ट लेयर इसका ये वाली, ठीक है। और ये वाली लेयर जब हमारा रिमूव हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसके सेकंड लेयर को चेंज करेंगे, निकालेंगे, फिर देखेंगे कि ये हमारा प्लास्टिक की है प्रॉपरली निकलता है या नहीं। आप लोग देखिए ध्यान से और इसके निकालने का तरीका को भी देखें कि किस तरीके से ये हमारा निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा सैमसंग का बोर्ड है, उसी का ये है। मैक्सिमम कटिंग सीम में ये जैक ख़राब होता है, तो बदलते हैं। देखिए आप लोग, तो इस पे हम पेस्ट अप्लाई करेंगे। देखिए इस तरह से रिमूव होता है ये। हमारा साथ भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ को भी एक साथ निकाल सकते हैं। ये हमारा टोटल जैक बाहर आ गया और देखिए कितना सेफली तरीके से ये हमारा बाहर आ चुका है बिना जले हुए, ठीक है। और इसको हम सेफली लगाएंगे भी, तो हमारा क्या है जैक प्रॉपरली रिमूव हो चुका है कितना आसानी से। हीट और टेम्परेचर का आप लोग सही टाइमिंग के साथ सही इस्तेमाल करें। अगर हीटिंग आपका बहुत ज़्यादा है और एयर कम है तो आपका जैक को जला देगा, और अगर एयर बहुत ज़्यादा है हीटिंग कम है तो आपका जैक सही से बाहर नहीं आएगा। तो इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, वो कॉम्बिनेशन बना के यूज कीजिए। तो जैक हमारा बाहर है, उसके बाद जैक निकलने के बाद आप अपने इस नीचे वाले हिस्से को जो है क्लीन कर लीजिए। क्लीनिंग
अच्छे से करें, क्योंकि क्लीनिंग अगर सही होगा तो कोई भी अगर बोर्ड में शॉर्टिंग होगा, कोई प्रिंट टच उच होगा, तो आपको सही से पता चलेगा कि हमारा कौन सा प्रिंट टच हो रहा है या कौन प्रिंट हमारा सोल्ड है। ठीक है, तो क्लीनिंग सही से करें। ठीक है, बोर्ड हमारा सही से प्रॉपर क्लीन है। अब आप इस चेक को फिक्स कर सकते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं है। फिक्स के लिए भी आपको पेस्ट का इस्तेमाल करें। पहले हम ये नीचे वाले प्रिंट को गर्म करेंगे। देखिए हमारा प्रिंट जो है थोड़ा वेट करेंगे। और ध्यान से देखिए, ये जो हमारा सारा साइड का जो ये लेग है, ये सही सलामत आमने सामने एक दूसरे से चिपक चुका है। इसी चीज का थोड़ा खास ध्यान दें। अगर कोई भी लगता है कि हमारा सही से नहीं सोल्ड हुआ है, तो उसे बाद में सोल्डिंग आयरन से आप निकाल दीजिए पतली बीट वाली से। और इधर का भी हमारा सही है, ये वाली भी हमारा सही है। सारा लेग जो है हमारा प्रॉपरली आपस में जुटा हुआ है। आगे भी आप देख सकते हैं कि हमारा जैक अभी बर्न नहीं हुआ है, जला नहीं है, जबकि ये सबसे बड़ी जैक है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसका एंटीना स्विच जो है हमारा, ये इसे भी आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो पहले आए तो आपको सबसे पहले देखने को मिले और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले।